हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वीके प्रसाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th फिजिक्स लाइट चैप्टर. टॉपिक फर्स्ट हमने पहले स्टडी कर चुके हैं लाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सेकेंड टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए ह्यूज टॉपिक, सो इन विच डिस्कस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मिरर एंड देयर टाइप्स एंड सम इम्पोर्टेंट terminology definitions related to the spherical mirror, right? So firstly I'm going to discuss about the mirror. Mirror means what? So mirror basically hota kya hai? So mirror ko hum agar physically dekhe to mirror jo hota hai ek highly polished smooth surface hota hai jiske one side mein silver coating hoti hai aur dusri side jo hoti hai thin glass hota hai jiske ek side mein silver coating hoti hai. Dusra looking surface hota hai jisme chehra hame dikhai dega, right? तो मिरर बोलने का सेंस क्या है? तो मिरर बोलने का सेंस ये है कि जिसके ऊपर से, एग्जांपल थोड़ा समझना. सपोज एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ कि यहाँ पे दो तरह का मटेरियल है. एक मटेरियल है ये और दूसरा मटेरियल है ये, और यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से एनर्जी लाइट इंसिडेंट हो रही है, निकल रही है और इसके ऊपर आकर के इंसिडेंट हो रही है कुछ ऐसे, और उतना ही अमाउंट किसके ऊपर आ रही है, इस 100% यहाँ भी आ रहा है और 100% अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ भी इंसिडेंट हो रही है. एक और एग्जांपल ले लो साथ में, ए बी एंड सी तीन बॉडी हमने स्टडी किया दिया हमने, और यहाँ भी सेम अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है. यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तीनों लाइट का, तीनों रेज का, और यहाँ मैंने एक स्क्रीन रखा हुआ है जो ये बताएगा कि मेरे पास रिफ्लेक्शन के बाद कितनी लाइट मेरे पास आई. तो यहाँ से ए ने क्या किया, अपने जितनी 100% लाइट आई थी जिसमें से सिर्फ 40% लाइट को रिफ्लेक्ट किया, ओके यहाँ पर आकर ऑब्टेन हुआ. इसने क्या किया, इसने एनालाइज किया कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास क्या हो रही है, आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसने क्या किया, यहाँ से 60% रिफ्लेक्ट किया, और इस मटेरियल को देखा गया तो एन एक्सपेरिमेंट, तो ये अपने 100% लाइट का 98% अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ले रहे हैं रैंडम वैल्यू, 98% लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया. सो कंक्लूजन्स क्या मिला इसमें, कंक्लूजन्स ये मिला कि इन तीनों ए बी सी में विच वन इज ग्रेटर रिफ्लेक्शन, ग्रेटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन सबसे ज़्यादा इसके अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, कौन सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो मैं बोलूँगा बी जो है सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, उससे कम बी है और उससे कम क्या है, ए है. तो सी इज अ गुड रिफ्लेक्टर. सी क्या होगा यहाँ पे, सी हम बोल सकते हैं इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर. क्या बोलेंगे इसको, इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर. तो जब भी हम लोग मिरर की बात करेंगे, और दिमाग में आपके कभी भी मिरर वर्ड अगर आ रहा है, तो मिरर का मतलब एक ऐसा मटेरियल जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है. तो मिरर का सेंस क्या है, इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर. दोज मटेरियल इफ दे आर अ गुड रिफ्लेक्टर वी कैन से वट, वी कैन से अ मिरर. मिरर को पहचानने का तरीका क्या है कि उसका एक साइड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, हाईली पॉलिश्ड होगा, सिल्वर की कोटिंग होगी, और दूसरे साइड में एक ग्लास होता है जिसके दूसरी ओर लुकिंग सरफेस होता है, और एक साइड में क्या होता है, वन साइडेड में सिल्वर कोटिंग होती है. सच टाइप ऑफ मटेरियल इज नेम्ड बाय मिरर, राइट. क्लियर हुआ, मिरर का सेंस क्या हुआ, इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर, स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस, राइट. ओके अब हम आते हैं बेटा इसके काइंड्स पे. काइंड्स ऑफ मिरर, काइंड्स ऑफ मिरर, मिरर के कितने काइंड्स मिलेंगे आपको नेचर में. तो जनरली अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मिरर. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर वी हैव. फर्स्ट प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ओके, और दूसरा कौन सा होगा, एंड सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर. सेकेंड क्या होगा, स्फेरिकल मिरर. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट प्लेन मिरर एंड सेकेंड स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का सेंस मतलब ये है कि दोज टाइप ऑफ मिरर इन विच
दे आर वन सरफेस दे आर रिफ्लेक्टिंग. देखो एक साइड में क्या होगा, अगर एक मिरर है तो इसके एक साइड में क्या होगा, कोटिंग होगी सिल्वर की, तो हम इसको बोल सकते हैं कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस. तो एक साइड में क्या होगा, पॉलिश सरफेस होगा, और दूसरी ओर की जो सरफेस होगी इस सरफेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्या बोलोगे इसको, याद रखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब थोड़ा समझेंगे, तो प्लेन मिरर का सेंस क्या है, दोज टाइप ऑफ मिरर इन विच दे आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड प्लेन, स्मूथ एंड प्लेन, दे आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड प्लेन. एक ऐसा सरफेस, दोज टाइप ऑफ मिरर इन विच दे आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड प्लेन, सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर. क्लियर हुआ. नेक्स्ट आते हैं स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि ये किसी स्फीयर से लिया होता है, यानी कि दोज टाइप ऑफ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दोज टाइप ऑफ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. क्या बोलेंगे इसको, स्फेरिकल मिरर. फिर से क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्फेरिकल मिरर. दोज टाइप ऑफ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, यानी कि एक ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट हो, किसी स्फीयर से कट करके निकाला गया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर डिपेंड करता है, दो तरीके का होता है ये डिपेंड करता है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. फर्स्ट कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर. याद रहेगा ये पहला मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर, और सेकेंड क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर. इतना नोट करें. सो नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का आपने देखा, स्फेरिकल मिरर. तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर फर्स्ट कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो कॉनकेव बोलने का सेंस क्या है कि दोज टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब दबा हुआ, ये शेप क्या हो गया कॉनकेव का. अगर आप सामने से देख रहे हो तो ये सरफेस को हम दबा हुआ है अंदर की तरफ इन साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉनकेव. अगर ये सरफेस ऐसे हो जाए आपके कॉलेज तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स का मतलब होता है उठा हुआ, कॉनकेव का मतलब क्या होगा दबा हुआ. तो ये भी क्या होता है कि स्फीयर का ही पार्ट होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि दे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा. देखेंगे यहाँ पे मैं ये एक सिंपली ग्लास ले लिया, ठीक है, और इसके इस कॉर्नर पे हमने क्या किया, इस साइड पे ये पॉलिश्ड पार्ट है, ये क्या है पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, राइट. तो दोज टाइप ऑफ मिरर इन विच देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, ये क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो हम इस तरह के मिरर को क्या बोलेंगे कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है कॉनकेव है, अंदर की तरफ दबा हुआ है. नेक्स्ट आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे. तो दोज टाइप ऑफ मिरर इन विच देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो उठा हुआ हो. ओके तो यहां पर देखेंगे हम कि ये एक हमने मिरर तैयार किया,
और हमने पॉलिश पार्ट इस बार इनसाइड ले लिया। तो ये क्या है इसका पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज देयर पॉलिश सरफेस। और ये इसका क्या है रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके अब थोड़ा समझेंगे इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। अब हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है, दे आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब उठा हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स, और इसको क्या बोलेंगे कॉनकेव। राइट समझ में आ गया। तो दो तरीके के मिरर्स हम बेसिकली इसी के बारे में स्टडी करनी है। अब थोड़ा सा इसके मेन टर्म्स पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ओके तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को हम समझेंगे जो हमें मालूम होनी चाहिए। राइट ओके तो इसमें पहले टर्म्स को अगर हम समझें तो पहला टर्म्स हमारे नॉलेज में होनी चाहिए फर्स्ट पोल ऑफ द मिरर। क्या होता है पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। बेसिकली हमने कितने तरीके के मिरर स्टडी किया है, कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। देखिए यहाँ पे दिस इज द प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज पॉलिश सरफेस। ये हो गया प्लेन मिरर प्राइम मिनिस्टर नॉट, दिस इज अ प्लेन मिरर एंड देयर इज कॉनकेव मिरर एंड नेक्स्ट दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके तो हर एक मिरर का एक मिड पॉइंट होगा, हर एक मिरर में क्या होगा एक मिड पॉइंट, नॉट सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड व्हाट पोल ऑफ द मिरर। ये हो गया इसका पोल, पोल को किससे डिनोट करोगे पी से, पी का मतलब क्या हो गया पोल से। तो द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। राइट आई रिपीट मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट आते हैं इट इज डिनोटेड बाई पी, याद रखेंगे किससे डिनोट करोगे इसको पी से। नेक्स्ट आ जाए हम लोग, नेक्स्ट हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात कर रहे हैं तो सेंटर्स तो एक प्लेन मिरर में पॉसिबल नहीं है, प्लेन मिरर के अंदर सेंटर्स नहीं हो सकता, मिड पॉइंट हो सकती है, लेकिन चूंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर होगा स्टार्टिंग में, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो एक स्फीयर बनेगा ये, और ये भी क्या बनेगा एक स्फीयर बनेगा, और हर एक स्फीयर का ईच एंड एवरी स्फीयर हैव एग्जिस्ट व्हाट सेंटर, तो उसी सेंटर को हम क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से इसको कट करके हमने निकाला है देखेंगे फिर से, ये देखिए सपोज ये एक मिरर है और इस मिरर को हमने नाम क्या दिया है दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ओके सपोज करो कि ये जिस मिरर से निकाला गया होगा क्या वो मिरर कुछ ऐसा रहा होगा, इमेजिन करो, तो क्या इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, यस इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कुछ यहाँ पे होगा। ओके इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाई सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ओ सी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, समझ में आ गया ये, यहाँ पर इसका पोल है। राइट अगर मैं कॉन्वेक्स लेता हूँ तो कॉन्वेक्स का भी होगा, ये एक कॉन्वेक्स है, ये भी जिस स्फीयर से कट करके निकाला गया होगा वो भी कुछ ऐसा रहा होगा, और इसका भी एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डिनोटेड बाय कैपिटल सी, और पहले से इसके पास क्या है पोल है। राइट तो दो चीजें क्लियर हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। राइट नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इजीली वी कैन डिफाइन कि द डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये स्फेयर है
और ये इसका सेंटर है, तो क्या ये इसका सर्कमफ्रेंस होगा? तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्योंकि ये स्फीयर के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा? इस डिस्टेंस को बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। सपोज कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका पोल यहाँ पे होगा और इसका सेंटर कहाँ पे होगा? कुछ ऐसा होगा यहाँ पे सेंटर। तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, राइट? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये की चीज क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? थोड़ा सा इसको समझेंगे। वी नो वेरी वेल अबाउट द पोल एंड सेंटर। तो इन दोनों से होकर जाने वाली एक ही लाइन होगी, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। वही स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर। द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर पोल और सेंटर से क्या एक ही लाइन पास आउट होगी? यस, यूक्लिड का थ्योरम है क्लास 9th में कि दो गिवन पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास आउट हो सकती है, और वो कैसी होगी? स्ट्रेट होगी। उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज वी हैव टेकन द कॉनकेव मिरर इन विच देयर पोल ऑफ द मिरर इज पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी। एज्यूम कर लेना इसको। तो इससे होकर जाने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपर्चर। नेक्स्ट क्या है? अपर्चर ऑफ मिरर। अब अपर्चर क्या है, थोड़ा इस बात को समझेंगे। अपर्चर ऑफ मिरर का सेंस क्या है यहाँ पे? तो अपर्चर का सेंस यहाँ पर है कि लाइट कितने अमाउंट को होल्ड कर पा रही है, सॉरी मिरर, स्फेरिकल मिरर या प्लेन मिरर कितने अमाउंट को होल्ड कर पा रहा है, उसी को हम बोलते हैं अपर्चर। देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो ये कितने अमाउंट ऑफ लाइट को होल्ड कर सकता है? देखो लाइट यहाँ से भी जा रही है यहाँ से। आप देख सकते हो ये मैक्सिमम कितने लाइट को होल्ड कर पा रही है, तो ये इस वाले पॉइंट तक के लाइट को रोक पा रही है, बाकी को ये नहीं रोक पा रही है। तो इसी को हम बोलते हैं ए सी बी को ही हम बोलते हैं अपर्चर। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे इसको? अपर्चर बोलेंगे। प्लेन मिरर के लिए क्या है? तो प्लेन मिरर अगर ये है, तो प्लेन मिरर के लिए अपर्चर क्या हो गया? ए बी, ये टोटल अपर्चर हो जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस क्या है बेटा? फोकस ये है कि सपोज कि ये हमारे पास एक प्लेन स्फेरिकल मिरर है विच इज कॉनकेव यूनिवेरियल अबाउट पी एंड दैट इज सी, राइट? अगर कोई रेज इन्फिनिटी से आ रही है एंड इट विल बी कंपल्सरी कि द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही है और मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन भी होगा, ये कहीं जाएगा भी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू दोज पॉइंट, सच पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। जिस लाइट पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर यहाँ से अगर इंसिडेंट ना होकर कहीं और से गया होता, सपोज ये यहाँ पर इंसिडेंट हो जाए या यहाँ पे इंसिडेंट हो जाए, तब भी ये कॉमन पॉइंट से ही पास आउट होगा, और वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा? एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्या बोलेंगे इसको? फोकस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। किसे डिनोट करेंगे इसको?
कैपिटल एफ से। ओके, तो रिफ्लेक्शन के बाद सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट से लाइट पास आउट होती है अगर वो पैरेलल आ रही है तब। ओके, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सच पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। व्हेनेवर द लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर द फ्रॉम कॉनकेव मिरर पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। एक चीज और आती है इसमें, एक चीज और आ रही है, एंड फोकल लेंथ। क्या आएगा इसके अंदर, फोकल लेंथ। अब ये चीज क्या है बेटा, फोकल लेंथ क्या है, कैपिटल एफ हो गया फोकस के लिए, तो ये स्मॉल एफ होगा फोकल लेंथ के लिए। और फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ को समझेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बेसिकली होता है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, फोकल लेंथ। इसको किससे डिनोट करोगे, स्मॉल एफ से, यानी कि ये वाला पैरामीटर क्या हो गया, फोकल लेंथ एफ, यानी ये पी एफ को ही हमने क्या बोल दिया, एफ बोल दिया, दिस इज अ फोकल लेंथ। क्लियर हुआ ये, ओके। नेक्स्ट, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, पक्का, कोई डाउट नोट कर लीजिए जल्दी से।